दोस्तों, ये कहानी है उस लड़की की जिसे रात को नींद में चलने की आदत हुआ करती थी और उसके इसी आदत के चलते वह कभी खेतों में चली जाती, कभी छत पर या फिर कभी नदी किनारे। ऐसे में उसके जान को बहुत ज़्यादा खतरा था और इस खतरे को जानते हुए घर वाले उसको घर में बांध कर रखने का डिसीजन लेते हैं। जब से उसे बांधा गया, पहले 2 दिन तो नॉर्मल से गए, फिर अचानक से 3रे दिन लड़की झटपट आने लगी और इसी झटपटाहट के कारण लड़की के पैरों में रस्सी के निशान पड़ गए। जब सब लोग सुबह उठे, उन्होंने रस्सी के निशान देखे तो सब लोग डर गए। फिर अगले दिन से उन्होंने रस्सी के निशान ना पड़े इस तरह से उसे बांध दिया। उसके बाद 10 से 15 दिन बहुत ही नॉर्मल गए। लड़की ने ना किसी प्रकार की हलचल की, ना किसी को तकलीफ दी। जब सब कुछ बड़े ही अच्छे से चल रहा होता है, तभी उनके घर के सामने वाली एक बुढ़िया उन लोगों को मिलने आती है और वो बुढ़िया बताती है कि रात को उनके कुएं के ऊपर कोई तो चक्कर लगाता है। घर वाले ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हम तो लड़की को बांध के रखते हैं, फिर ऐसा कौन हो सकता है जो कुएं के ऊपर गोल गोल चक्कर लगा रहा हो। अगले दिन वो लड़की को खटिया से बांध देते हैं और खटिया से बांधने के साथ साथ उसके पैरों में घुंघरू भी लगा देते हैं ताकि वो बाहर जाए तो सबको पता चल जाए। उसी दिन रात को लड़की अचानक से नींद में से उठकर किसी से बात करने लगती है। वह अपनी जगह पर ही बैठकर अंधेरे में किसी के साथ फुसफुसा रही होती है। घर वाले ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम बीत जाने के बाद घर वाले भी सो जाते हैं और लड़की भी नॉर्मल तरीके से सो जाती है। अब वक्त होता है लड़की के बाहर निकल जाने का, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, उसके पैर खटिया से बांध दिए गए थे। सुबह के करीब 3:33 हो गए थे और जब घर का कोई एक सदस्य उठा जिसने कुएं की तरफ देखा तो उन्हें वो लड़की कुएं के ऊपर गोल गोल चक्कर लगाते हुए दिखाई दी। तभी घर के सब लोग भागते हुए जाते हैं और लड़की को कुएं से नीचे उतार लेते हैं और उसके पापा तो उसे गले लगा लेते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा तुम्हें यहाँ किसने लाया और तुम्हारी रस्सी किसने खोली। वो लड़की कुएं के अंदर अपने उंगली से ऐसे इशारा करती है और बताती है कि मुझे इसने लाया। और लोगों ने जब कुएं में देखा तो उसे देख कर सबकी फटकर 4 हो गई थी। तो ऐसा कौन था जिसने लड़की को रस्सी से आज़ाद भी किया और कुएं के ऊपर भी ले आया, और कुएं के अंदर क्या था जिसके तरफ लड़की इशारा कर रही थी।